हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की दिवाली बहुत ही अच्छी रही होगी। मैं आपको थोड़ा अपना बताती हूँ कि मेरा दिवाली का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जो लोग मेरी वीडियोस डेली देखते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने दिवाली सेलिब्रेट तो करी, सभी चीज़ें करी, लेकिन एक वो रौनक नहीं थी। एक्चुअली अभी 2 महीने पहले ही हमारे चाचा ससुर ख़त्म हो गए थे, तो एक होता है ना कि हर तीज त्यौहार पे अपनों की याद आ ही जाती है। अपने इंडिया में ऐसे कहा जाता है ना कि तीज त्यौहार मनाने ही चाहिए, अदरवाइज आन पड़ जाती है। मीन्स वो फेस्टिवल हमेशा तक के लिए आपका हट जाता है, आप उसको नहीं सेलिब्रेट करते। तो एक फॉर्मेलिटी की तरह ही सही, लेकिन तीज त्यौहार तो मनाने ही पड़ते हैं। और अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो हर एक इवेंट पे उनकी याद आ रही थी कि अगर आज वो होते तो रौनक कुछ और ही होती। और कल था फिर भैया दूज पे आप समझ सकते हैं कि मैं नोएडा से इतनी दूर हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है जाना वहाँ पे। वैसे तो मैं फिर भी कभी चली जाती थी, लेकिन अब की बार कोरोना की वजह से जाना पॉसिबल नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। कहीं कुछ ऐसा ना हो कि कोरोना की पकड़ में हम आ जाएं, तो थोड़ा सा अवॉइड ही कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको अपना कल का एक्सपीरियंस बताती हूँ। देखिए, हमारे यहाँ भी भैया दूज मनाई जाती है, क्योंकि मैं उन लोगों से दूर रहती हूँ, मेरा हर बार वहाँ पहुँचना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह सुबह उठ के बिना कुछ खाए पिए जो सूखे गोले होते हैं ना, नारियल, सूखा नारियल जो होता है, उसको मैं तिलक कर देती हूँ। अगर कोई बहन अपने भाई तक इस दिन नहीं पहुँच सकती या दूर रहती है, तो हमारे यहाँ ऐसे कर लिया जाता है, और बाद में जब भाइयों से मिलते हैं तो वो उनको दे दिया जाता है। तो इस तरीके से हो जाता है। तो कल सुबह जब मैं क्लिनिक के लिए निकली थी, तो मैंने यही किया था। लेकिन आपको पता है, रास्ते में जब मैं आ रही थी ना, तो मैंने रास्ते में कुछ लोगों को देखा जिनके माथे पे टीका हो रहा था। मन पता नहीं कैसा सा लग रहा था, आप शायद समझ सकते हैं उस भाव को कि वो मेरा भी फेस्टिवल था, मेरा भी दिन था, मेरे भी भाई थे, और मैं सब कुछ होते हुए भी ये नहीं कर पाई, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पता है, जैसे भाइयों की याद आनी शुरू हुई ना, तो बचपन की सारी यादें ताज़ा होती चली गई। ऐसा लग रहा था कि वो टाइम इतना प्रीशियस टाइम था, इतना अनमोल था। उस टाइम पे तो उस टाइम की हमें वैल्यू ही नहीं थी, लेकिन आज वही छोटी छोटी चीज़ें ही सहारा है कि उनको याद करके अपना मन बहला लेते हैं। चलिए, उनमें से कुछ इवेंट्स मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आप भी सुनिए कि हम लोग कैसे रहते थे पहले। देखिए, हम 4 बहन भाई हैं, उनमें सबसे बड़ी मैं हूँ, फिर है मेरा ब्रदर, फिर सिस्टर है मोनिका शर्मा, आप जानते ही हैं उन्हें, और फिर है सबसे छोटा वाला भाई। क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी थी ना, तो मम्मी के बाद बहन भाइयों पे मेरी ही कमांड होती थी। मतलब मुझे पूरे राइट्स थे कि मैं उन्हें किसी भी टाइम डांटूं, किसी भी टाइम मार सकती हूँ, कभी भी कुछ भी मैं कर लेती थी। ऐसा कुछ मम्मी ने मुझे अथॉरिटी दे रखी थी। और शायद उनकी इस ढील की वजह से ही मेरा हाथ भी इतना खुला हुआ था कि वो छोटी सी भी गलती करते तो सीधा मेरा हाथ उठता था। और आपको पता है, वो लोग मेरी मार खा भी लेते थे, कभी मेरी बात का उल्टा जवाब भी नहीं देते थे, और पता है यूं करके बैठ जाते थे बस, यूं बहुत तेज लगता था। उस टाइम पे तो मुझे खुद नहीं पता था कि ये मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन आज उसी टाइम को जब मैं याद करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये उनकी गुडनेस थी कि उन्होंने मुझे बर्दाश्त किया, वरना वो चाहते तो तुरंत मम्मी पापा से कंप्लेन कर देते। वो एक अलग चीज़ है कि जब मैं आज इस चीज़ को देखती हूँ तो बहुत तरस आता है उन लोगों पे, बहुत प्यार आता है। उस टाइम को तो मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन पता नहीं जब ये सब बातें याद आती हैं तो बहुत इमोशनल सा मन हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही ना, मेरे हर एक बहन भाई के साथ कुछ कुछ किस्से जुड़े हुए हैं, आज वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले बताती हूँ मोनिका के साथ। मोनिका का इस वजह से, क्योंकि उन्हें आप जानते हैं। देखिए, जैसे आप उन्हें इस टाइम हेल्दी देखते हैं ना, वो शुरू से ही हेल्दी रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो कभी बड़ी सूखी सी थी तो बच्चा होने के बाद ऐसे हो गई। जैसे कहते हैं ना कि किसी की कदकाठी या किसी की फिजिक थोड़ी ऐसी ही होती है, तो उनकी फिजिक बचपन से ही ऐसी है। अब देखिए, मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैं भी बच्ची ही थी। जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, आज के टाइम में मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, एक अलग सोचने का तरीका है। उस टाइम बहुत ही इमैच्योर थी। शादी से पहले आप खुद समझ सकते हैं कि हम लोग कितने इमैच्योर होते हैं। पेरेंट्स की एक प्रोटेक्टिव शीट में रहते हैं, कोई मतलब नहीं रहता, बस अपने जो 4-6 लोगों की फैमिली है वही अपनी दुनिया रहती है। तो उस टाइम मुझे भी बहुत ज़्यादा अकल नहीं थी। तो अब मुझे क्या लगता था कि ये हेल्दी इस वजह से है क्योंकि ये ज़्यादा खाती है। खैर, मुझे लगता भी ऐसा था कि वो अगर अपने खाने को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेगी तो वो थोड़ा सा फैट लॉस कर सकती है। अब मैं तो उसको बिल्कुल अपने जैसा बनाने पर तुली रहती थी। कभी उससे कहूँ कि स्किपिंग करो, कभी कहूँ कि डाइटिंग करो, कभी कहूँ ये करो वो करो, कुछ कुछ उससे करवाती रहती थी। अब एक बार की बात है, वो किचन में चाय बना रही थी और मैं बाहर बैठी हुई थी, और किचन में रसगुल्ले भी रखे हुए थे।
अब उसको लगा होगा कि दीदी के सामने तो खा नहीं सकते, चाय बना रही हूँ मैं, तो जब तक चाय बॉईल हो रही है उसको कप में डालेंगे जब तक थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो क्यों ना मैं यहाँ पे खड़े खड़े रसगुल्ले खा लूँ, दीदी को पता नहीं चलेगा, उसको कुछ ऐसा लगा। अब पता है हुआ क्या, उसने मुंह में डाल लिया होगा रसगुल्ला और चांस की बात है कि उसी टाइम पे मैंने उसको आवाज़ दे दी, मोनिका ऐसे। और पता है बेचारी मोनिका, अब ना तो उससे रसगुल्ला उगलते बने और ना ही वो इतना बड़ा था, ना ही वो उससे नीचे निगलते बने। अब वो बिल्कुल यूं की यूं ही, मतलब कुछ जवाब नहीं दे रही और अंदर है, मुझे पता है कि वो अंदर है। तो मैंने एक बार उसे आवाज़ दी, मोनिका, जब आवाज़ नहीं आई तो मुझे हुआ कि अरे ये तो किचन में ही थी, आवाज़ क्यों नहीं आई। अब मुझ में इतना पेशेंस कहाँ, मैं गई किचन में देखने। अब जैसे ही मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि वो चुपचाप सहमी से खड़ी है। मैंने कहा क्या हुआ, मैंने अभी तुम्हें आवाज़ लगाई, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। तो बोली ऐसी दीदी कुछ नहीं। तो मैंने सोचा कि होगा कुछ और मैं वहाँ से चली आई। बाद में उसने मुझे बताया कि आज तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, एक्चुअली जैसे ही उसने ये देखा होगा ना कि मैं आ रही हूँ किचन में देखने के लिए, तो उसने उस टाइम जल्दी से रसगुल्ला मुँह से निकाल के हाथ में ले लिया और ऐसे चुप करके खड़ी हो गई। अभी मेरे ख्याल से आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि ये कितनी हिटलर जैसी थी, लेकिन हाँ मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी। मुझे थोड़ा सा डिसिप्लिन अच्छा लगता है, सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, तो मेरी इस तरह की बातें होती है और ये आज भी है। तो बाद में मोनिका ने ये बात जब हम सब लोग बैठे हुए थे सबके सामने बताई, तब हम बहुत हंसे। वैसे मैं सोचती हूँ कई बार कि कैसा टाइम था ना मेरा, कितना डर था मेरे छोटे बहन भाइयों में। ऐसे ही एक किस्सा बताती हूँ अपने बड़े भाई के साथ। हुआ क्या, वो भी मुझसे छोटा था, वो मुझसे 5 साल छोटा है। तो जब मैं उसे पढ़ाती थी ना, उसे कोई चीज़ समझ में ना आए या वो मुझे नहीं बता पाता था, तो वो ना नेल बाइट करने लग जाता था ऐसे ऐसे। तो एक बार क्या हुआ, उसके नेल्स बढ़े हुए थे और होता है ना कि जब नेल्स बढ़ते हैं तो उनमें गंदगी जमा हो जाती है, वो ब्लैक ब्लैक कलर का अलग ही दिखाई देता है। तो मुझे हुआ कि यार ये नाखून बहुत चबाता है, तो नाखून चबाएगा इसके मुँह में इसकी गंदगी जाएगी, तो चलो क्यों ना मैं काट दूँ। मैंने नेल कटर देखा, नेल कटर मिला नहीं। अब बस मुझ में कहाँ इतना पेशेंस, मैंने ब्लेड उठाया, पापा का शेविंग वाला, आप सोचिए कि शेविंग वाला कितना शार्प होता है, शेविंग वाला ब्लेड लिया और मैंने उसके नाखून काट दिए। और पता है बिल्कुल जड़ से काट दिए, जड़ मीन्स स्किन को टच करते हुए, वो जो बाहर एक्स्ट्रा पोर्शन रहता है ना, थोड़ा सा भी वाइट जो रहता है, वो बिल्कुल मैंने ख़त्म कर दिया। और छोटा सा बच्चा, उस टाइम मैं भी छोटी थी, वो मेरे ख्याल से शायद 3rd क्लास में पढ़ता था उस टाइम, तो आप मेरी एज का भी अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि मैं कितनी होंगी। खैर मैंने उसके नेल्स काट दिए, मैं तो अपनी तरफ से पड़ी वो कि मैंने आज बड़ा अच्छा काम करा, आज मैंने अपने भाई के नाखून काट दिए हैं, अब उसके मुंह में गंदगी नहीं जाएगी जब वो ऐसे करेगा। अब हुआ क्या, भाई को दर्द होना शुरू हो गया होगा। अगर आपने भी कभी ये एक्सपीरियंस किया हो, ब्लेड से नेल काटे हो और कभी वो ज़्यादा कट जाता है तो बहुत पेनफुल होता है वो। अब भाई के साथ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन हो रही थी। अच्छा, नेल कट करने के बाद जब उसे पेन हुआ ना, तो वो आया मेरे पास, उसने कहा कि दीदी कैसे नेल कट कर रहे हैं, मुझे तो आज इनमें बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे करके बोला। तो पता है मैं कितनी चालाक थी, मैंने उसको बोला अच्छा ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या, तो उसने बोला हाँ दीदी मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा। तो मुझे लगा कि अभी तो इसने ये बात मुझे बताई है, कहीं ऐसा ना हो ये मम्मी को बता दे या घर के बाकी लोगों को बता दे। तो मैंने उसको धमकी दी कि तूने अगर ये बात किसी को बताई ना तो फिर देखना, फिर मैं तुझसे वो चैप्टर सुनूंगी और अगर नहीं सुनाया गया फिर मैं तेरी अच्छे से खबर लूंगी, इसलिए ये बात तो किसी को भी मत बताना। अब वो बेचारा एक तो छोटा वैसे ही मुझसे डरता था, ऊपर से मैंने और ज़्यादा डरा दिया, अब वो घर में किसी को भी ना बताए। अब नेक्स्ट डे कुछ मेरी दादी ने नोटिस किया कि ये खाना भी ढंग से नहीं खा रहा है, बच्चों के साथ खेल भी नहीं रहा है, इसे हुआ क्या है। तो खैर दादी खाना खा रही थी, दादी ने कहा कि आ जा तू मेरे साथ खाना खा ले, तो इसने कहा आप ही खिला दो। तो दादी ने कहा क्यों क्या हुआ तेरे हाथ में, तो उसने ना हाथ ऐसे पीछे छुपा लिए, जैसे ऐसे लॉक करते हैं ना पीछे अपने, ऐसे छुपा लिए कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, मुझे नहीं दिखाने, कुछ नहीं है हाथों में। तो दादी को और ज़्यादा डाउट हुआ, दादी ने मम्मी से कहा कि इसके हाथों में देखो तो सही, हुआ क्या है, ये हाथों को क्यों छुपा रहा है। और जब मम्मी ने देखा ना, उसका जो वो नेल वाला एरिया था पूरा रेड हुआ पड़ा था। और जब मम्मी को पूरी बात पता चली, तो मम्मी ने कभी मुझे ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नहीं डांटा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा देखना उससे खाना भी नहीं खाया जा रहा और ऐसे नहीं काटते, जैसे एक होता है ना बच्चे को समझाते हैं, तो मम्मी ने बस मुझे समझा के ही छोड़ दिया था। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं आज मेरे साथ क्या होने वाला है। और खैर बात पापा जी तक पहुँच गई, पापा जी ने लेकिन सारी कमी पूरी की, पापा जी ने डांटा था और बहुत कस के डांटा था। तो बड़े भाई के साथ देखे मैंने ये कांड किया था। अब मैं बताती हूँ छोटे का, सबसे इंटरेस्टिंग है छोटे वाले का। छोटे वाले भाई के साथ मेरा क्या रिश्ता रहा है कि मैंने ये सोचा कि जैसे मैं इन दोनों पे अपनी हुकूमत चला लेती हूँ, ऐसी छोटे पे भी चलाऊंगी। मैं छोटे को 1 मारती, वो मुझे 4 मारता,
मैं ये सोचती कि ये तो उल्टी गंगा बहाता है, ये क्या चक्कर है, ये क्यों नहीं मुझे बर्दाश्त करता ऐसे। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज लगती थी कि अच्छा ये तो हम में सबसे छोटा है और ये मेरे ऊपर हाथ उठाएगा ऐसे। फिर मैं उसे और मारती, मैं उसे और मारती ना तो वो मुझे और डबल मारता, ऐसा था। आज भी जब हम ये सब बातें याद करते हैं ना तो छोटा पता है क्या बोलता है, कहता है दीदी उस टाइम इतनी अकल ही नहीं थी, हमें पता ही नहीं था कि जिस पे हम हाथ उठा रहे हैं उसको बाद में देखने के लिए भी तरस जाएंगे। एक्चुअली मैं यहाँ बांदा में हूँ, वो लोग दिल्ली में हैं, तो मेरा इतना जाना नहीं हो पाता। एक तो बाय ट्रेन 12 घंटे लग जाते हैं, सेकंड अगर कोई थोड़ी देर का भी काम है, जैसे मेरे भतीजे हैं उनका बर्थडे होता है तो वो 2 घंटे का काम होता है, तो सिस्टर तो चली जाती है, मेरे लिए वो 2 घंटे का प्रोग्राम अटेंड करने में भी एक दिन जाना एक दिन आना। और आप समझ सकते हैं कि जब बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं तो उनका छुट्टियों का भी देखना पड़ता है, फिर मेरा क्लिनिक भी है, तो कुल मिला के मेरा नहीं जाना हो पाता है। मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ से रह जाती हूँ, बस मैं बाद में फ़ोटोज़ और वीडियोस से ही काम चलाती हूँ। तो ऐसे ही ये मेरा कल का फेस्टिवल रहा, सब लोगों को देख देख के बहुत याद आ रही थी। अभी मैंने आपसे ये सब शेयर किया ना तो अभी मुझे फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है, एक हल्कापन सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी देर के लिए सही लेकिन बचपन वाले टाइम में चली गई थी। और आज के टाइम में देखिए हम चारों की शादी हो गई है, वो 3 जो छोटे छोटे जिन पे मैं अपनी हुकूमत चलाती थी वो भी बड़े हो गए हैं, सबकी अपनी अपनी फैमिली है, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है कि वो प्यार वो रिस्पेक्ट आज भी वैसे ही बना हुआ है। बस हाँ एक चीज़ बदली है, वो ये है कि अब मैं उन्हें मारती नहीं हूँ, बस डांट से काम चला लेती हूँ, डांट देती हूँ। कहीं ना कहीं अब मुझे रियलाइज़ होता है कि वो गलत था, लेकिन देखिए मैं खुद भी उस टाइम छोटी थी और नहीं पता था कि बाद में यही टाइम यादें बन के मेरे साथ रहेगा। शायद इसी वजह से इतना ज़्यादा था भी, क्योंकि मेरे पास इन यादों के सिवा और कुछ भी नहीं है। मैं जब मेरे बेटे की छुट्टियां पड़ती हैं, एक हफ़्ते के लिए सर्दियों में, एक हफ़्ते के लिए गर्मियों में जाती ज़रूर हूँ, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि एक हफ़्ता कहाँ निकल जाता है पता भी नहीं चलता। तो आज अगर मेरे हाथ में कुछ है तो ये यादें ही हैं, इन्हीं के सहारे बस चल रहा है। और जैसे हम दूर रहते हैं तो मेरे ख्याल से पूरी ज़िंदगी यही यादें बस मेरे साथ रहने वाली है। तो आज अपने बचपन की कुछ बातें आपके साथ शेयर करी, किससे तो ना जाने कितने हैं, लेकिन शायद आप सुनते सुनते थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आपको कैसा लगा सुन के आप बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा।